Hi everyone, I'm Chef Gaurav. I'm the chef at First Fiddler Restaurants Private Limited. And today we are making a very interesting dish, broccoli almond tikki, which is smoked by cardamom. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लांच करना हमारी ब्रोकली को। यहाँ पे हमने वाटर बॉईल करके रखा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारे ब्रोकली के छोटे छोटे फ्लोरेट्स। सिर्फ 30 सेकेंड्स देंगे हम इसको और फिर हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो चलिए हमारी जो ब्रोकली है अच्छे से ब्लांच हो चुकी है, इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे हमारे आइस कोल्ड वाटर से। अभी हमारे पास आइस कोल्ड वाटर है, यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर से रिफ्रेश करेंगे। आइस कोल्ड वाटर से रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये डिसकलर हो जाता है। यानी इसे प्रॉपर कलर रिटेन रहेगा इसका, ग्रीन और रिफ्रेश रहेगी। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रखते हैं ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाए। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके इसकी टिक्की बनाएंगे। और इसको अब हम एक बॉल लेंगे और उसके अंदर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम डालते हैं हमारे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर। सबसे पहले हम डालेंगे कॉटेज चीज, फिर हम डालेंगे हमारे आलू इसके अंदर, फिर हम डालेंगे इसके अंदर हमारा जो रोस्टेड आमंड्स का चूरा है वो डाल देंगे, फिर हम डालेंगे हमारी ग्रीन चिलीज, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, चॉप जिंजर और एंड में डालेंगे हम धनिया। रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा इसको। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम स्मोक करेंगे हमारे कार्डमम के साथ। तो ये जो हमारा चारकोल है आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने गर्म कर लेंगे इसको। बहुत बढ़िया तरीके से इसे गर्म करना है, इट शुड बी फ्लेमिंग हॉट। तो चलिए अब हम अपनी स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग करने के लिए हमें पहले एक सिल्वर फॉइल से इस तरीके से एक छोटा सा स्क्वायर बना लेना है, ऊपर हम रखेंगे हमारा फ्लेमिंग हॉट चारकोल। इसको सेंटर में ऐसे रख देंगे और फिर हम रखेंगे इसके ऊपर हमारा चारकोल जो कि बहुत ही गर्म है। हम डालेंगे इसके ऊपर हमारी एक बड़ी इलायची और तीन छोटी इलायची, और अब हम डालेंगे इसके ऊपर हमारा देसी घी फॉर द स्मोकिंग लाइक दिस। चलिए इसको बंद कर देते हैं जल्दी से और इसे हम रखेंगे ऐसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारा जो मिक्सचर है ब्रोकली आलमंड टिक्की का वो अच्छे से स्मोक पकड़ ले इलायची की। सो गाइज आफ्टर गुड 3-4 मिनट्स अब हम निकालते हैं और ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से स्मोक हो गया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है कार्डमम का। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं जो हमारी सिल्वर फॉइल है और एक बार बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम टिक्की बनाते हैं। इसके टिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथ में ताकि जो हम टिक्की बना रहे हैं वो स्टिक ना हो। और यहाँ पे हमारे पास मैंने जो है ये मैदा लिया है, उसका बैटर बना लिया है। मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, तो हमारा ये बैटर रेडी है। इसको हम ऊपर से अप्लाई करेंगे हमारी टिक्की के ऊपर और फिर क्रम करेंगे हमारे पाउडर्ड जो रोस्ट किए हुए आलमंड्स हैं और थोड़ा सा सूजी डालेंगे। तो चलिए इसमें सूजी थोड़े से मिक्स कर ही देते हैं। तो चलिए अब हम टिक्की बनाते हैं क्या करके। तो चलिए हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अब टिक्की बनाएंगे इसकी। तो चलिए अब हम इसके ऊपर हमारा जो बैटर है फ्लावर का वो लगाते हैं थोड़ा सा। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा क्रम आएगा ऊपर सूजी का और रोस्टेड आमंड्स का वो बढ़िया तरीके से चिपक जाए। चलिए इसको हम अपने क्रम में डालेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी टिक्की रेडी। ऐसे ही एक एक करके हम अपनी टिक्की रेडी करते रहेंगे। सो नाउ लेट्स एयर फ्राई देम। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एयर फ्रायर है जिसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा है 180 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे
और एक एक करके हम इसके अंदर अपनी टिक्की डालेंगे इस तरीके से। और इफ यू डोंट हैव एन एयर फ्रायर आप सिंपली इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। चलिए इसको अब हम एयर फ्राई करेंगे। विल सेट अवर टेम्परेचर टू 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और उसके बाद हमारी ब्रोकली आलमंड टिक्की रेडी है। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर अवर ब्रोकली आलमंड टिक्की। इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स इट विल बी रेडी नाउ एंड देन विल सर्व इट विद अवर टोमेटो केचप। सो हियर वी गो, हमारी ब्रोकली आलमंड टिक्की रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्प हो चुकी है दोनों साइड से। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले टोमेटो केचप है, सो ये देखिए हमारी ब्रोकली आलमंड टिक्की विच इज स्मोक्ड विद कार्डमम इज रेडी टू सर्व। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। इट्स अ परफेक्ट पार्टी स्नैक। डू ट्राई इट योर होम्स प्लीज। थैंक यू सो मच।